नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ओके, सेम प्राइम फैक्टर के अंदर 945, ओके बेटा, इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे डिविजिबिलिटी 2 से होगा नहीं, 3 से देखो चेक करो, 9 + 4 + 5, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 9 और 9 18, यस 3 से डिवाइड होगा बिकॉज 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 होता है कि नहीं होता है, तो 3 से डिवाइड होगा, तो वी यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे, ठीक है, तो 3 9 45 / 3, 3 3 = 9, 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 1 = 3, 4 में से 3 गए तो 1, 5 एज इट इज, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम में आता है, 15, 3 5 = 15, तो अगर हमने किया तो क्या आया, 315, ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, वापस इसको देखो, 3 + 1 + 5, यही है ना नंबर हमारा, 3 और 1 4 4 और 5 9, क्या 3 की टेबल में 9 आता है, यस, तो ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 315 / 3, तो 3 10 = 30, डायरेक्ट कर दो, तो 30 31 में से 30 गए तो 1 5, 3 5 = 15, तो क्या आया हमारा 3 से डिवाइड करने पे, 105, अब शॉर्टकट में कर रहे, देखो 5 और 1 6, 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो आप देखो 105 को डिवाइड करो 3 से, 3 3 = 9, 10 में से 9 गए तो 1 और 5, 3 5 = 15, 35 5 और 3 8, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि 8 आ गया, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम करेंगे 5 से, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, क्योंकि 4 में आएगा नहीं, तो 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7, और 7 प्राइम नंबर है, तो 7 खुद की ही टेबल में आएगा, तो 7 = 7, फिर नेक्स्ट ये लिखो 3 × 3 × 3 × 5 × 7, 3 3 = 9 9 3 = 27 27 5 = 27, को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 = 35, 3 5 2 = 10, 10 और 3 = 13, और देन आफ्टर इसको 7 से करो, तो 7 5 = 35, 7 3 = 21, 21 और 3 = 24, 7 1 = 7, 8 9, वॉट इज अवर आंसर, 945, और 945 सेम आ गया, तो दिस इज अवर आंसर। नाउ 3.3 का हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ तक 1 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 3 4 बताऊंगी, ओके बाय।